अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेरेंट्स मुझे के हवाले से आपको इन्विटेशन दी है, आपको यहाँ पे आपके अपने क्या प्रॉब्लम है, मतलब जो आप जीनियर ने आपको शेयर करना चाहते हैं। जीनियर प्रॉब्लम तो सबसे बेसिक ये है कि अर्निंग हमारी इस वक्त जो बिज़नेस लोग हैं उनकी अर्निंग नहीं है इस वक्त। उसके बावजूद जो है हुकूमत ने 20% डिस्काउंट किया था, जो कि वो भी नहीं हमारा स्कूल जो है दे रहा। उसके बावजूद सारी फीसेज इनको फुल चाहिए, पूरी फीसेज ले रहे हैं और घर में बैठ के स्कूल बंद है और पूरी फीस प्रोवाइड उनको वहाँ पहुँचाई जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस के पासवर्ड मिलेंगे बच्चों को, ईमेल एड्रेस के, ये सारी चीज़ें जो गेम करा हुआ है प्राइवेट स्कूल्स वालों ने। अब हम लोग थक चुके हैं इन गेम से ना, हम लोग पक चुके हैं इन चीज़ों से। एक रिलेशन है इस स्कूल से 10 ईयर्स का मेरे बच्चों का। अब COVID-19 आ गया, हर आदमी परेशान हो गया, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। मैं स्कूल गया, मैंने कहा भाई मेरे बच्चों का रिजल्ट दे दो, तो दे सेड कि 4 महीने की फीस भरो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो रिजल्ट देंगे और आपको आईडी पासवर्ड देंगे। मैंने बोला मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, मैं 10 साल से बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड है, कम अज़ कम आदमी किसी के साथ बिजनेस करता है, कारोबार करता है, आदमी इतनी दीद तो रखता है ना। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट, मतलब जैसे पहचानते नहीं है, उन्होंने कहा कि आप जाएं और हम नहीं दें। खैर एनी आओ कुछ नहीं। बात ये है कि सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा, 6 रुपये सालाना फीस थी भाई, 6 रुपये सालाना फीस के बाद हम वहाँ से मैट्रिक करके निकले। 85 to 90 हमने मैट्रिक किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया। सरकारी स्कूल कहाँ है, सिर्फ बिल्डिंग की शक्ल में, वो भी बिल्डिंग ख़त्म हो गई है। तो आपकी सरकार ने स्कूल को कहाँ तक पहुँचाया, आपको दिखता नहीं है? PIA प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन, बैंक प्राइवेटाइजेशन, स्कूल प्राइवेटाइजेशन किए गए हैं बाकायदा, ये आपकी गवर्नमेंट ने किया है। इस बात नहीं, नहीं, नहीं ये माफिया ख़त्म कौन करेगा यार, आप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये माफिया गवर्नमेंट ख़त्म करेगी ना भाई। मैं आ गया रोड पर, बात ख़त्म। आज मैंने एक दिन पूरा लगा दिया और भी लोगों ने लगा दिया, अब वो दिन का क्या है, एक मजदूर मजदूरी करता है, मतलब कैसे मैं आया, मैं गुलशन मेमार से ऐसे ही आ गया, फ्री में आ गया हैं, मैं रोज आ जाऊंगा क्या? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस चीज़ के टैक्स ले रही है? कितनी टूटी हुई रोडों पे से मैं होकर आया हूँ अपनी गाड़ी खराब करते हुए यार, ये गवर्नमेंट बोलती टैक्स भरो, ये करो, कहाँ है यार? तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया अपने घर को, खुद ही गवर्नमेंट ने अपने घर को आग लगा दी। हम लोग गवर्नमेंट ही के स्कूल में पढ़ के बड़े हो गए और आज बड़े बड़े डॉक्टर लंदन, जापान, अमरीका में जो ये जा रहे हैं, जो कहते हैं कि इमिग्रेशन, वो कौन लोग जा रहे हैं? सब गवर्नमेंट स्कूल के लोग जा रहे हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, बड़े बड़े डॉक्टर्स देख ले आप गवर्नमेंट स्कूल के, ये प्राइवेट स्कूल आए कहाँ से? भारत ने मजबूरी खींचा गया, हम लोग को फेंका गया इधर। तो आज प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बात हो रही है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के लिए आए कि ये जो गुंडागर्दी इन्होंने की, वे कम अज़ कम उस रिलेशन का तो ख्याल करो यार। सिंध गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आखिरी, मतलब लास्ट क्वेश्चन, उनसे कुछ आप कहना चाहते? कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से और इस खासकर एजुकेशन वालों से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई एजुकेटेड आदमी है, इफ़ यू डोंट माइंड, बुरा लगता है लगेगा।